प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अब प्रदेश में सबसे अधिक प्रवासी कोरोना पॉजिटिव के मामले आ रहे हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रवासियों के आने पर उन्हें अब सख्ती से 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है और गांव में भी इसको लेकर जागरूकता आई है। इसी के साथ बाहर से आने वालों के लिए कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं, साथ ही कोविड डेडिकेट अस्पताल निर्धारित कर रहे हैं जहां उन्हें रखा जा रहा है। प्रदेश में अभी प्रतिदिन 15,000 जांच करने की क्षमता विकसित हो गई है। 25 मई तक कोबास 8,800 मशीन भी आ जाएगी, जिससे प्रतिदिन 4,500 कोरोना की जांच हो सकेगी। वहीं चिकित्सा मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सीएम गहलोत लगातार वीसी के जरिए कलेक्टर से फीडबैक ले रहे हैं। जब 15 लाख लोग हमारे प्रवासी राजस्थानी माइग्रेंट लेबर्स अलग अलग जगह से आएंगे, वो भी बम्बई है सबसे ज़्यादा संक्रमित जगह, अहमदाबाद सबसे ज़्यादा संक्रमित जगह, सूरत, यहाँ से जब लाखों की संख्या में हमारे राजस्थानी प्रवासी आएंगे या माइग्रेंट लेबर आएंगे तो पॉजिटिव केसेस तो बढ़ेंगे। लेकिन हमने सबसे ज़्यादा व्यवस्था चाक चौबंद की है, क्वारंटाइन की, होम क्वारंटाइन सुनिश्चित हो, उनको ऑनलाइन रजिस्टर किया जा रहा है और उनकी ट्रैकिंग की जा रही है। वहाँ गांव में जिस तरह से हमने विलेज कमेटी बनाई है, गांव का सरपंच हो, पूर्व सरपंच हो, प्रधानाध्यापक हो, हमारे जो ग्राम के सचिव है पंचायत के या पटवारी है, मेडिकल डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, पुलिस है, सबका मिला के जो सोशल वर्कर्स हैं गांव के, सब लोगों को विजिलेंट किया गया है। कोई भी आदमी आए, आने का स्वागत करो उनका, लेकिन 14 दिन का क्वारंटाइन उनका आवश्यक रूप से वो फॉलो करें, इस बात को सुनिश्चित करें। तो गांव-गांव में जागृति आई है और वो ही खुद ही तय कर रहे हैं कि भाई 14 दिन पहले यदि होम क्वारंटाइन है तो